वो व्यक्ति ये चाहता है कि आप ऐसा करो ताकि वो फेमस हो जाए। उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, उसने बाबा साहब की फोटो जलाई तो आपको लगा कि यार उसने बाबा साहब की फोटो जलाई और हम उसको गाली देते हुए वीडियो बनाएंगे। ए टोपी वाले, ए टोपी वाले, देखिए जो पापा है ये गाड़ी की चाबी रख देते हैं और खुद भूल जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या होता है। और इनका जो बेटा है काऊ बोलता है इनको, काऊ बोलता है इनको। का है मेरा बेटा, बोला काऊ बोलने वाले को। हम कौन है? आप हो काऊ? हम काऊ हैं। हाँ। हम काऊ हैं। हाँ। काऊ हैं कि ताऊ हैं? मैं आपको आगे बता, मैंने आपके वीडियो रोज रोज देखते रहता हूँ। ये भोपाल में रहता है और डेली वीडियो देखता है मेरी, है ना? ये कौन है? ताई नहीं, काई हुई ना, फिर ये काऊ हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय है ना, ये अम्बेडकर वादियों का होने वाला है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको आज की वीडियो में शायद समझा पाऊँ, तो समझ लेना। आज जो है दूसरा दिन है लॉकडाउन का, इसकी परिस्थितियाँ जो हैं कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही हैं। कुरियर वाले आ रहे हैं इसलिए हमारा काम चल रहा है, आपको बुक्स जो है टाइम पर पहुँच जाएंगी। हमारी बिल्डिंग की जो है लिफ्ट ख़राब हो गई है, इस वजह से बहुत सारे कुरियर वाले बेचारे परेशान हैं। ओ ये क्या कर रहा है तुमने? ये क्या कम पड़ रहा है, तुमने डबल कर दी उनको। क्या करते, वो तो भेजने ही पड़ेंगे, ऑर्डर है इंग्लिश वाला। इंग्लिश भाई साहब 50 किलो का एक डिब्बा। ये क्या दो नहीं ले जा पाएंगे यार, दो नहीं ले जा पाएंगे उसको, तो दो भी कैसे ले जाएंगे। और नए वाले भाई साहब कैसे हो? हमें नाम बताना पड़ेगा, मेरा नाम है युगल तरोठिया। नए वाले भाई साहब, लॉकडाउन लग गया है ना, लेकिन है ना इस बार का लॉकडाउन थोड़ा मजाक वाला है। तू बोला था ना शाम को नहीं कि वो जाके देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब के सब दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। आप जाओ वो दुकान खोलेंगे, आपको सामान देंगे और बस लेके आ जाओ। अपनी आ नहीं रही है कोरोना टाइम पे, अपनी मंगवा लो तो वो पहन लें, अब अपनी नहीं आ रही तो कम से कम नेशनल स्तर के विचार कर दें। अब ये जो कुरियर है ना, ये 21 वॉल्यूम का है, ये रिटर्न आया है। हालत तो इसकी बहुत अच्छी है, टोटली पैक करके भेजा था। हालत तो बिल्कुल ऐसा लग ही रहा है कि जैसे यहीं से पैक हुई है अभी, हालत ख़राब नहीं हुई। लेकिन ये है कि आप अपने 21 वॉल्यूम जब भी ऑर्डर करते हो ना, इनको प्लीज़ 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 टाइम पर, और है ना थोड़ा बहुत आपको आना जाना पड़े तो ले लीजिए, क्योंकि ये जो रिटर्न हुआ है ना, इसको रिटर्न चार्जेस भी हमको भरने पड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा माइनर मार्जिन हम अपने पास रखते हैं और सारा आपको बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सी चीज़ ध्यान रखिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमारी फर्स्ट टी शर्ट कब आने वाली है, तो देखिए फर्स्ट टी शर्ट हमने अपलोड कर दी है। और ये देखिए ये टी शर्ट हमने चंद्रशेखर भाई को भेजी थी और उन्होंने उस टी शर्ट को पहनकर एक फ़ोटो भी भेजा था हमको, तो हमने ये अपडेट कर दिया है, आप जाके ले सकते हो। और दूसरा हमारे को जिससे भी जितने लोगों भी है ना टी शर्ट पर फ़ोटो खींच के भेजते हैं अगर, तो हम उनको भी अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे सम्राट है, उन्होंने भी अपना एक फ़ोटो भेजा था तो हमने उसको भी वेबसाइट पर डाल दिया है। बस इतना सा अंतर है कि जो पहले टी शर्ट थी ना वो कॉटन लाइक्रा में थी, कॉटन लाइक्रा थोड़ा सा गर्मी में है ना बहुत इरीटेशन सा फील कराता है, इसलिए हमने ये जो टी शर्ट डाली है वो 100% कॉटन है। मतलब अगर आप इसे पहन के धूप में भी जाओगे तो आपको भी अलग सा या अजीब सा फील नहीं होगा, काफ़ी कंफर्टेबल टी शर्ट्स है। हीटिंग होती है लाइक्रा में, हीटिंग होती है थोड़ी बहुत। हाँ लाइक्रा में क्या रबर होता है कॉटन के साथ, तो वो रबर क्या करता है ना आपके शरीर में, एक तो इचिंग भी करता है, आप नॉर्मली नहीं पहन सकते उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक, और वो रबड़ होता है तो वो गर्म भी करती है टी शर्ट। मैं MSK के ब्लॉग्स देखता हूँ कभी कभी, तो MSK जो है ना मुंबई में दादर इलाके में रहता है, जहाँ पर बाबा साहब की चैत्य भूमि है एग्जैक्टली, मतलब ज़्यादा नहीं है 3-4 किलोमीटर का अंतर है। कभी कभी MSK छत्रपति शिवाजी पार्क भी जाता है। तो आज मैंने देखो क्या नोटिस किया, ये है ना जस्ट यहाँ से लौट रहा था, ध्यान से देखिएगा, तो MSK ने जो फीचर किया यहाँ पर हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर जो है बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है BSP। उस इलाके में तो बाबा साहब के इतना खतरनाक प्रोग्राम होते हैं, मतलब इतनी सारी भीड़ मरती है, और कोरोना के टाइम पे कैसा हुआ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने MSK को कमेंट किया है कि भाई कैसा था बाबा साहब का
बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ मुंबई में? ये एमएस की अपनी समाज का है क्या? नहीं, मुस्लिम है। और पता है तुमको, ये मुस्लिम है तो लोग कमेंट कैसे करते थे इसको? मैंने कई बार से कमेंट पढ़े कि इसको ये टेररिस्ट है या ये आतंकवादी है या इसको ये कभी मंदिर नहीं जाता, मतलब वो ब्लॉगिंग करता है वो कभी ऐसा नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी लोग पीछे पड़ जाते हैं। वो तो उनकी मेंटेलिटी है, वो कहते हैं ना आदमी जो ऊपर बढ़ता है तो उसको आदमी गिराने की कोशिश करते हैं, तो वही इसके साथ भी हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं से दबाया जाए। लौंडा टैलेंटेड है, टैलेंटेड तो है। ध्रुव राठी ने रिसेंटली अभी बाबा साहब और गांधी जी के बीच में कंपैरिजन किया 14 अप्रैल के दिन। मतलब आपको घुमा फिरा कर इनके ऊपर बात करनी ही पड़ेगी। आप कब तक इग्नोर करोगे बाबा साहब को? आपको इग्नोर नहीं कर पाओगे आगे आने वाले टाइम पे। और ध्रुव राठी ने ये बोला है कि पहले जो बाबा साहब बोलते थे और बाबा साहब और गांधी जी के बीच में बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन बाबा साहब जो स्टार्टिंग में बोलते थे बाद में गांधी जी को वो चीज़ माननी ही पड़ी। गांधी जी जो है वो जाति व्यवस्था को सही मानते थे, लेकिन आखिरी में उनको ये मानना पड़ा कि जाति व्यवस्था एक खराब चीज़ है। और इस तरह से ध्रुव राठी ने पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया है। आज अंबेडकर जयंती है, 130th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम पॉपुलरली बाबा साहेब अंबेडकर करके बुलाते हैं। इनफैक्ट वो गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी भी मानते थे, और सही मायनों में रिलीजियस होने के नाते वो बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट भी करते थे और कम्युनल हार्मनी की तरफ काम भी करते थे। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इतना रिलीजियस इंसान अपने रिलीजन पर सवाल नहीं उठाएगा, इसलिए गांधी जी के जो व्यूज थे शुरुआत में एटलीस्ट कह सकते हो वो काफी ऑर्थोडॉक्स थे। इनका मानना था कि कास्ट हिंदुइज्म का एक फंडामेंटल हिस्सा है। इसका मतलब ये है, मतलब मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आने वाले टाइम है ना वो अंबेडकर वादियों का है, क्योंकि बाबा साहब ने जो बोला है उसमें अभी तक कोई तो ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो ये बोल पाए कि ये गलत है। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब की कोई फोटो है ना फाड़ के जला रहा है, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि ऐसी सब चीज़ों को ना तो वायरल करो ना लोगों को बताओ कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति ये चाहता है कि आप ऐसा करो ताकि वो फेमस हो जाए। उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, उसने बाबा साहब की फोटो जलाई तो आपको लगा कि यार उसने बाबा साहब की फोटो जलाई, हम उसको गाली देते हुए वीडियो बनाएंगे। अगर आप वीडियो बनाओगे वो व्यक्ति फेमस हो जाएगा और किसी ना किसी बड़े उसको कहीं टिकट मिल जाएगा। हाँ, वैसे वो पार्टी से ही है वो। तो उसको कहीं ना कहीं टिकट मिल जाएगा और वो नेता बन जाएगा, फिर आप सोचोगे यार साले नेता कैसे बन गया। तो हम ही लोग बढ़ा रहे हैं और क्या। तो मत करो यार, कोई जरूरत नहीं इन लोगों की वीडियो दिखाने की। ऐसे तो हजारों लोग होंगे, क्योंकि जो बेवकूफ होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो मैं इसलिए उसकी वीडियो भी नहीं डाल रहा आपको, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो आज का जो है हमारा काम हो गया है और सारे वॉल्यूम्स पैक हो गए हैं। ये खतरनाक वॉल्यूम्स हैं। तो बता रहा हूँ मैं कि हम लोग लगभग, आज कौन सी तारीख हो गई है? 16 है ना, तो अपन शायद 19 को जो है ना दिल्ली चलेंगे। ठीक है, 19 को दिल्ली चलेंगे और वहाँ से फिर से वॉल्यूम्स लेके आना है। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिल्ली अगर जा रहे हैं तो किससे मिले, कौन ऐसा व्यक्ति जिसको आप चाहते हो कि हम अपने ब्लॉग में कवर करें, या वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ चीज़ तो आप हमें बता सकते हो। आज क्या टॉपिक डाल रहा है? आज मेरा टॉपिक है कुंभ के ऊपर। अच्छा, कुंभ के ऊपर कंट्रोवर्शियल वीडियो डालने वाला है तू, है ना? देखना भैया, उठवाने वाले तेरे को कुंभ वाले। ये नए वाले भाई साहब हैं, नए वाले भाई साहब चलें। चलो, मतलब खुल भाई डरने की वाली बात नहीं है। और भैया अपनी टी शर्ट मंगवा लो यार, नई वाली, नए नए डिजाइन, हम भी पहन लें, वरना जब तक मैं नेशनल दस्तक वालों को ऐड करूंगा बता रहा हूं मैं। चल बाय बाय। अब देख रहे हो ये सब बेचारे हैं ना, दुकान वाले हैं जो अपनी दुकानों के बाहर सट्टे डाल के बैठे हुए हैं। और मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेचारे सब परेशान हैं। अब ये लॉकडाउन, मतलब रैलियाँ निकल रही हैं, कुंभ हो रहे हैं, तब आपको है ना वो कोरोना नहीं फैल रहा, लेकिन दुकानदारी बंद रहे इससे कोरोना नहीं फैलेगा। और दुकानदारी तो फिर से भी हो ही रही है, भीड़ फिर भी लगी रही है, लेकिन कुछ तरीका होता है, मतलब ऐसा होना होता है कि अगर आपसे कुछ बस की नहीं है आपके, तो आपने कुछ भी मन से कुछ भी नया रूल निकाल के डाल दिया कि इससे कोरोना रुक जाएगा। बस ये है कि जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, इस लॉकडाउन से सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना लॉकडाउन होगा लोग उतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। मतलब ऑनलाइन आने की कोशिश करो, जैसे भी तरीका जो भी मिले आपको। ओ बेटी, सो के उठी हो क्या अभी? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, पानी भी पूछ लिया करो कभी। कोई दूध है, लस्सी है? दूध नहीं चाहिए, पानी पानी ठंडा। और ये देखो, देख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन काम करोगे ना तो ये बच्चे भी उस चीज़ का हिस्सा बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमेशा ऑनलाइन वीडियोस देखते रहते हैं। ये हाल है बच्चों के, लेकिन ये है कि इससे ना ये समझदार भी हो रहे हैं, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आ गए हमारे बेटा। अरे बेटा,
हयान बोलो की पार्टिंग चलो नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी ये एक ही बार में काम रह के रह जाए तो उससे क्या फायदा तो इसको उतार लेते हैं अपन एक और बात आज घूमने चलेगी क्या महीने भर हो गया घूमने नहीं जा रही बताओ एक और बस लॉकडाउन में क्या खिला रही है आज लॉकडाउन में मास्क कहाँ दे रहा देखो कोई नहीं मानता रूल बोल ये गमछा ये अरन का मास्क नहीं अरन मास्क कहाँ है आपका इधर देखो कहाँ है मास्क तो की पार्टिंग बोल दो अच्छा बोलो मास्क नहीं है की पार्टिंग की पार्टिंग चलो कल मिलते हैं बाय 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 बाय